गाइस, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल गार्डनिंग ड्यूड्स। कैसे हैं आप सब गाइस? आज हम बात करेंगे कचनार के बारे में। गाइस, कचनार का जो प्लांट है, इस प्लांट का जो यूज़ होता है वो बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही वर्णन है। गाइस, इतना अच्छा प्लांट है, इतना गुणों से भरपूर है कि आप इसके बारे में सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि एक आम सा दिखने वाला प्लांट, आम सा सड़कों के किनारे लगने वाला जो पौधा होता है, जो प्लांट है, उसके गुण इतने ज़्यादा हैं गाइस कि हर बीमारी में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है कचनार। इसकी एक टैबलेट भी आती है गाइस, कचनार गूगल के रूप में, पतंजलि से ही इसकी एक टैबलेट मिलती है, बहुत ही फ़ायदा करती है। वैसे तो बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो कचनार की टैबलेट बनाती है। अगर आप टैबलेट नहीं ले सकते तो आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हो, वही मैं आपसे शेयर करूँगी। इसका उपयोग आप किन किन बीमारियों में कर सकते हो गाइस? थायराइड में इसका उपयोग होता है गाइस। ये एक जादू ही पत्तियों वाला पौधा होता है जिसकी फूल, कलियां, जड़े, तने, छाल सब का सब इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके फूल और छाल का काढ़ा बनाकर खाली पेट सेवन करने से हमारी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जैसे कि त्वचा रोग में ये बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अस्थमा में इसका उपयोग किया जाता है। अगर शरीर में हमारे कहीं भी सूजन आ जाती है तो भी हम इसका उपयोग करते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। और गाइज, अगर शरीर पे कहीं भी घाव हो जाते हैं तो आपने क्या करना है, इसकी छाल उतारनी है और उस छाल को पत्थर पे घिसकर आप उस घाव पे लगा दीजिए। आप देखेंगे कि 2 या 4 दिन के अंदर अंदर ही आपका जो घाव है वो बिल्कुल ठीक होने लगेगा। ये बहुत ही हार्डली प्लांट है गाइज, ये अक्सर हमें सड़कों के किनारे देखने को मिल जाएगा। अगर हम वैसे किसी नर्सरी में, प्राइवेट जो नर्सरियां होती हैं, अगर हम इसको उसमें लेने जाएंगे तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी नर्सरी में ही अवेलेबल होता है। गाइज, आप इसमें हर 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट, काव डंग कंपोस्ट और पत्तों की खाद अगर ऐड करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि प्लांट बहुत ही घना बनेगा, फ्लावरिंग भी जो है इसकी जल्दी होगी। कचनार पे गाइज कई तरीके के फ्लावर आते हैं, कई कलर के फ्लावर आते हैं। जो हमारे पास है ये वाइट कलर का है गाइज मैं इसको ग्रो बैग में ही रख रही हूँ अभी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मुझे इसको बोनजाई बनाना है तो मैं इसको अभी पॉट में शिफ्ट नहीं करूँगी जब तक कि इसकी जो स्टेम है वो मोटी नहीं हो जाती, थिक नहीं हो जाती, ये घना नहीं हो जाता। उससे पहले मैं इसको पॉट में शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इसको अलग लुक देनी है, इसको बहुत ही सुंदर शेप देनी है, तो उसी के लिए मैं इस पर काम कर रही हूँ गाइज। गाइज, कचनार का जो पौधा है वो आपको आम सड़कों के किनारे मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर ये सड़कों के किनारे ही लगाया जाता है। लेकिन आप इस प्लांट को आम समझने की गलती बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये प्लांट आम नहीं है, बहुत ही खास है। ये आयुर्वेद में इसका बहुत ही ज़्यादा वर्णन है, तो आप इसको अपने गार्डन में जगह ज़रूर दीजिए और अपनी लाइफ में इसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा गाइज, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद है कचनार का पौधा। और गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और गाइज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।